क्या बीजेपी बनाएगी कर्नाटक में सरकार? दक्षिण भारत के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक में अब किसकी एंट्री होगी? कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की सरकार बचेगी या फिर बीजेपी का ऑपरेशन कमल कामयाब रहेगा? सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों की ओर से स्पीकर के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए साफ कर दिया कि कर्नाटक विधानसभा स्पीकर इस्तीफों पर फैसला लेने में पूरी तरह स्वतंत्र हैं। लेकिन कोर्ट ने ये भी कह दिया कि बागी विधायकों को विधानसभा में पेश होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, विधानसभा स्पीकर जल्द ही 15 विधायकों के इस्तीफों पर फैसला करें। कर्नाटक असेंबली बिजनेस एक्ट के तहत स्पीकर को इसका हक है। स्पीकर क्या फैसला करते हैं उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाए। हम ये भी साफ कर देना चाहते हैं कि अगले आदेश तक 15 विधायकों को विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। स्पीकर को अब सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार फैसला लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट अंत देश परमोच्च न्यायालय मेले अडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी याद कारण आशय भंग बरदे संविधान आशय लोप आगदे जवाबदारी मुंबई के होटल में ठहरे विधायकों के लिए बड़ी राहत है। वहीं कुमारस्वामी सरकार के लिए ये झटका माना जा रहा है। कोर्ट के आदेश का मतलब यह है कि अब कांग्रेस और जेडीएस अपने विधायकों को व्हिप जारी नहीं कर सकेगी। दल बदल कानून के मुताबिक व्हिप का उल्लंघन करने पर विधायकों को बर्खास्त किया जा सकता है। विधायकों की बर्खास्तगी होती तो सदन में संख्या बल प्रभावित होता। ऐसी स्थिति में कुमारस्वामी सरकार को फायदे की संभावना थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और कुमारस्वामी सरकार के गिरने की आशंका बढ़ गई है। वहीं कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस कंफ्यूजन में दिखी। कोर्ट में स्पीकर की ओर से पैरवी कर रहे कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी ने फैसले की तारीफ की, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कोर्ट के फैसले का कड़ा विरोध किया। सुरजेवाला ने ट्विटर पर लिखा, सुप्रीम कोर्ट का विधायकों को व्हिप से और संविधान की 10वीं सूची के तहत जनमत को धोखा देने वाले विधायकों को बचाना एक खतरनाक फैसला है। विधायकों को खुलेआम बचाने की कोशिश हो रही है। जो मिथ्या प्रचार जिस पुरजोर तरीके से हो रहा है उसके बारे में, उससे और भी प्रमाणित और सिद्ध हो जाता है कि कितना ये निर्णय जो आज के विपक्ष की पक्ष है कर्नाटक में उसके विरुद्ध गया है। येदियुरप्पा जी कुछ भी कहें आपके कैमरास के सामने, और लोग आके कुछ भी कहें, वो सिर्फ अच्छे ख्वाब वैसे ख्वाब वाले ख्याल गालिब के हैं। लोकतंत्र का भी वही मानना है और जो कोर्ट ने फैसला दिया है वो कानून के मुताबिक फैसला दिया है और कहा है कि जिसको अपने विवेक से जो करना है वो अपना विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपना इच्छा प्रकट करें। अगर जेडीएस कांग्रेस के 15 बागी विधायक फ्लोर टेस्ट से दूर रहते हैं तो स्पीकर को हटाकर सदन का संख्या बल 209 हो जाएगा और बहुमत का आंकड़ा हो जाएगा 105। वहीं 15 विधायकों की कमी से कांग्रेस जेडीएस गठबंधन के पास सिर्फ 102 विधायकों का ही समर्थन बचेगा। दूसरी तरफ बीजेपी के पास फिलहाल 105 विधायक हैं, जबकि उसे 2 निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल है। ऐसे में बीजेपी के लिए सरकार बनाने का रास्ता साफ हो सकता है, यानी कर्नाटक के सियासी नाटक का अंत हो सकता है। इधर दुनिया की सबसे बड़ी अदालत और उसमें पाकिस्तान